ये हैं अयूब भाई, जिन्होंने चलती ही ट्रेन से ढका ताल और शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक लिंकिंग का काम चल रहा है, यार्ड रिमॉडलिंग NI का, उसका वीडियो बनाकर हमें भेजा। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। जिस ट्रेन में अयूब भाई बैठे हुए हैं, ये श्रमजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है 0-23-92। सामने देख सकते हैं पीलीभीत की दिशा से जो ट्रैक आ रहा है ढका ताल के पास से, उसको जूम करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा हर चीज़ कवर कर ली है, किस तरह से कहाँ से ट्रैक आ रहा है और कैसे किस तरह से कनेक्ट होगा। तो हम आपको हर एक चीज़ ओवरऑल व्यू एक तरह से समझ सकते हैं, दिखाएंगे इस वीडियो में। जोड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ढका ताल की तरफ का ये व्यू है। तीन सिग्नल लगे हुए हैं, तीन ट्रैक है और कुछ ट्रैक शाहजहांपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ भी आएंगे, यानी लखनऊ बरेली वाली रेल लाइन पर उसमें जोड़े जाएंगे, जिससे कि जब कोई ट्रेन पीलीभीत की दिशा से आए और लखनऊ की दिशा में जाना हो तो वो शाहजहांपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी आ सके। ढका ताल है बीच में, देख सकते हैं पानी भी ढेर सारा भरा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है चलती हुई ट्रेन से। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य, इसके अलावा यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये सिग्नल आया है जो शाहजहांपुर मुख्य रेलवे स्टेशन को दर्शा रहा है। इस सिग्नल का मतलब है कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन चली जाए, ब्रॉडगेज वाले जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसको छोड़कर। तो फ्रेंड्स यहाँ से सामने देखिएगा पीलीभीत की दिशा से ये ट्रैक आ रहा है और सबसे दूर वो शाहजहांपुर का जो नया स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से, ये देखिए तीन ट्रैक आ रहे हैं यहाँ पर और शाहजहांपुर का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो सिग्नल लगा हुआ है, जिसके जो सिग्नल है लाल लाइट जल रही है, इसको बाद में हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और नया सिग्नल स्टार्टिंग में ही लगा दिया गया था जब हमने आप लोगों को दिखाया था अभी शुरुआत में ही, उसका उपयोग किया जाएगा, उसी के सहारे सभी ट्रेनों का संचालन हुआ करेगा। देखिए किस तरह से देखिए एक कैंची बनी हुई है और ये ट्रैक यहाँ से कटकर शाहजहांपुर के जो जिस ट्रैक पर मेरी ट्रेन चल रही है उस ट्रैक पर आके मिल जाएगी। ये देखिए ये इसको जोड़ा जाना है कि पूरा का पूरा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा तो ट्रैक के ऊपर ट्रैक रखा हुआ है। हम आप लोगों को पूरी एक एक चीज़ दिखा रहे हैं चलती हुई ट्रेन से कि किस तरह से ट्रैक को कनेक्ट किया जा रहा है। आगे बीच बीच में जो जंक्शन बॉक्सेस भी आ रहे हैं उनको भी हटाया जाएगा, बकायदा ट्रैक के बीच में जो बैलास है वो भी भर दी गई है, कहीं कहीं पर नहीं भरी है। वो सामने देखिए जो नया रेलवे स्टेशन शाहजहांपुर का बना है ब्रॉडगेज का, उसका व्यू दिखा रहे थे जूम करके हम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में जो अनारक्षित या पैसेंजर ट्रेन चलेंगी वो उस दिशा में जाएंगी, बाकी जो लखनऊ की दिशा में किसी ट्रेन को जाना होगा पीलीभीत की दिशा से तो वो इस रूट पर आएंगी। ये जो सामने ट्रैक है देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सब कुछ सिग्नल वगैरह भी लगे हुए हैं, हालांकि अभी जलना शुरू नहीं हुए हैं, केबिन भी लगा हुआ है, तो इसी केबिन की सहायता से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। और जैसा कि बात चल रही थी कि शाहजहांपुर का जो अब रेलवे स्टेशन नया बनाया गया है ब्रॉडगेज का, वो NR में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं नया सिग्नल वाला पोल लगा हुआ है और ये देखिए सिग्नल जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मास्ट हैं हाफ बार, वो भी यहाँ पर ये देखिए लगे हुए हैं कि किसी भी अगर ट्रेन को या लोको को रिवर्स करना हो तो आसानी से हो जाए। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ पर कैंची बनी हुई है, एक ट्रैक दूसरे ट्रैक से मिल रहा है। और ये देखिए ये जो स्टॉपर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसको हटाया जाएगा, ट्रैक से लिंक किया जाएगा, यहाँ पर आके फिर देखिए ये देखिए इस ट्रैक में मिल गया है और ये देखो हमारी जो ट्रेन है अभी इसी ट्रैक में मिल जाएगी आके। जितने भी ये जंक्शन बॉक्सेस हैं इनको हटाए जाएंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में सबको अंजाम दिया जाएगा इस काम को। और 28 तारीख तक मेगा ब्लॉक लिया गया है, कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, कुछ का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और कुछ को रोक कर चलाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से कैंची बनी है और इस ट्रैक में मिल जाएगा आके एक ट्रैक, और यहाँ पर भी देखिए ट्रैक ये देखिए बनाया गया है। तो जो यहाँ पर कभी केबिन हुआ करता था ट्रैक बदलने के लिए, उसको तोड़ दिया गया है। तो कॉशन देकर यहाँ से ट्रेनों को निकाला जा रहा है और देखिए किस तरह से ये देखिए ट्रैक बनेगा यहाँ पर और जंक्शन बॉक्सेस भी हटाए जाएंगे।
तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।